शादी नहीं करूंगी। जबरदस्ती पागल वागल हो गई है क्या? ये सब बात मत बोल अपने मुंह से। मेरी शादी में फिर तू नहीं रहेगा। रो रही क्यों है तू, पागल है क्या? इतने डिजिटल थोड़ी ना हुए। तो गाइस मैं हूं अप्रेश और हम हैं फोकस। तो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और अभी हम लोग आए हैं जिम में और आज हैफा के ऊपर एकदम खतरनाक प्रैंक करने का सोचे हम लोग कि हम लोग दोनों जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया क्योंकि तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा करना है। देखो हम लोग पैसा भेज देंगे, देखो तू शादी कर लेना, हम लोग नहीं रहेंगे, सब घर वाले रहेंगे, सिर्फ हम लोग नहीं रहेंगे। तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है, देखते हैं क्या बोलती है। चलो पहले वर्कआउट कर लेते थोड़ा, उसके बाद फिर जाते घर पे आके एकदम शॉकिंग न्यूज देते ये सब। चलो बोले हम लोग वर्कआउट करने गए थे, हम लोग का वीजा मिल गया, हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग भी कर रहे थे। ऑफर आया है ऐसा बोलते हुए वीजा मिल गया, नहीं वो बोली दिखाओ फिर कहाँ से लेकर आएंगे, बोले ऑफर आया। हम लोग सोचे वो चले आते एकदम अच्छे से धूमधाम से, जैसा देखो चाहिए वैसी शादी हुई। अच्छा काम हो गया है, मिल जाएगा। चलो देखते उसका रिएक्शन क्या रहेगा। चलो भाई जब से मैं घर पे आया हूँ ना, किसी से कुछ बात बात हुई नहीं है, किसी से कुछ बात नहीं है। चुपचाप नहा के मैं निकला हूँ अभी तो हाइफा और मम्मी लोग ना अंदर है। मम्मी को पहले ना बाहर बुला के ना समझा देता हूँ वरना मम्मी चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ तो भी हाँ अक्षत को भी समझा देते, सबको बता देते हैं। हाइफा को बस जाना, तो मम्मी को बाहर बुलाना। मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर मतलब इंडिया के बाहर, हाइफा की शादी की जो भी तैयारी है ना वो सब करने के लिए। हाइफा के ऊपर प्रैंक करेगी, तेरी शादी का पैसा नहीं हो पा रहा है तो हम लोग जा रहे बाहर मुंबई। तेरी शादी अच्छे से करेंगे, अच्छी डील आई है वहाँ, पैसा मिल जाएगा, तेरी शादी धूमधाम से हो जाएगी। धूमधाम से करेंगे, बस धूमधाम में हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है? मम्मी आप चिल्लाना नहीं ज्यादा, आप आ जाना बाहर। बोला अच्छा है ना, तू तो तेरी शादी के लिए इतना अच्छा लोग कर रही है। हाँ मम्मी ठीक है, तो हाइफा बुलाइए तब आना, उससे पहले मत आना अभी, हम लोग हाइफा को बाहर बुलाएंगे। ठीक है चलो जाओ अंदर जाओ। हाइफा हाँ भाई इधर आ, तेरे लिए कुछ खबरी है। बहुत अच्छी डील मिली है बच्ची, करोड़पति बन जाएगी आप उनका। मुबारक हो, तू जैसा बोली थी होटल में शादी करने के। अबे तड़ाएंगे, बहुत अच्छी डोली चाहिए था, डोली डोली डन। और क्या चाहिए? जो चाहिए वो एंट्री पे, एंट्री अपन अलग करेंगे इस बार। मैंने तो दो दो एंट्री सोची थी, एक कार के सनरूफ में मैं एंट्री सोची थी। अभी अभी तेरे को ये नल्ला कार में नहीं कराएंगे, Z4 पूरी ओपन वाली में कराएंगे, कार में करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी लेने जा रहे 1 करोड़ की गाड़ी। हमें जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे, बड़ी कार लेंगे उसमें उसकी ओपन एंट्री करवाएंगे। 1.5 करोड़ की तो रहना चाहिए ना बच्ची, उसकी नहीं लेंगे ना, लेकिन वो भाड़े पे ले लेंगे। तेरी नसीब से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं बहुत जा रहे हैं। हम लोग को ऑफर आया है अभी जाने का, मतलब आउट ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग को पैसा मिलेगा मस्त एकदम। आउट ऑफ इंडिया का भी जो हमारा काम फंसा पड़ा था ना एजेंसी का, वो वहाँ जाके ओपन कर रहे हम लोग बाहर। एक काम आया है उसने, उन लोग ने बोले तुम लोग को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब 6-7 महीने तो हम लोग को वहाँ रहने पड़ेगा। जनवरी में जाएंगे, 6-7 महीने तो मेरी जनवरी में शादी है। अरे तो पैसा भेज दिए तो खुशी खुशी शादी, तो मस्त एकदम तेरी शादी होगी। हम लोग पैसा देंगे बस, हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसा कैसा शादी होगी, तू नहीं रहेंगे तुम लोग नहीं रहेंगे तो क्या हो गया, हम लोग आगे मिल लेंगे। वीडियो कॉल भाई इतनी डिजिटल नहीं हुए हम लोग के, वीडियो कॉल पे ऐसा शादी। अरे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हम लोग भी तो कर रहे हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर तो तेरी शादी, अबे तेरी शादी अच्छे से करेंगे। हाँ वो ठीक है अच्छे से करेंगे, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे नॉर्मल करके भी देंगे तो मेरे कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। ख्वाहिश को ना मारे, हम लोग यही सोच रहे। नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा काम है जाना पड़ेगा, और इतना ऐसा काम हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। देख काम जरूरी है, पैसा जरूरी है, तेरी शादी जरूरी। शादी डेट फिक्स आगे बढ़ा नहीं सकते ना, कुछ हो सकता है, सब एकदम एंड मोमेंट पे कुछ नहीं होएगा। शादी तो होगी लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे बस, थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना ना। अबे तू हम लोग को ब्लॉग बना के देना, हम लोग वहाँ अपलोड कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, शादी हम लोग नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चले मतलब, हमें हम लोग दूल्हे थोड़ी ना रहेंगे। हम लोग की बात नहीं, शादी के लिए दूल्हे की जरूरत रहती है, काजी की जरूरत रहती है, दुल्हन की, तीनों रहेंगे तेरी शादी। तो जब तुम लोग नहीं रहेंगे तो मैं शादी कैसे करूंगी फिर? ठीक है 7 महीने बाद करेंगे शादी। ऐसे कैसे डेट हो गई, उसके बाद तो कर देंगे। हाँ तू जब फिर अपन दोनों साथ में कर लेंगे। अरे पागल है, लोग सब हॉल वॉल बुक कर दिए, सब कर दिए, और लोग तो क्या हो
गया। जब तुम लोग इतना कमाने जा ही रहे तो थोड़ा सा खर्चा हो गया तो क्या हम लोग को कोई इशू नहीं है, जो उन लोग की तरफ से लड़के वालों की तरफ से हो गया तो उन लोग का क्या, उन लोग थोड़ी ना लॉस झेलेंगे। हम लोग से तेरा अच्छा सोच रहा है इफा, शादी नहीं करूंगी। क्यों क्यों शादी नहीं करेंगे? जबरदस्ती पागल वागल हो गई है क्या? जब हम लोग तेरा ही सोच के जा रहे ना, और इतना अच्छा काम मिला है बार बार थोड़ी ना मिलेगा। नहीं तुम लोग नहीं रहेंगे तो कैसे मैं शादी करूंगी? तो तू रो रही क्यों है? देख ऐसे टाइम पे रोना क्या, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं तेरी शादी अच्छे से हो, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो, दापी की कैसे अच्छे से हुई। तो दापी की शादी में तू था ना, मेरी शादी में फिर तू नहीं रहेगा तो क्या हो गया? वीडियो कॉल चालू होना, बाजू में ही रहेंगे, कोई मसला नहीं। आईफा शादी एकदम अच्छे से करेंगे अपन, धूमधाम से। करने का ही नहीं है मेरे को फिर करने, ये सब बात मत बोल अपने मुंह से, पागल हो गई है क्या? नहीं कर, सब कुछ हो गया, सब ताय हो गया है। नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको बस वो ताय फोल्ड जो हुआ हुआ है, ताय हुआ है उसको बस कबर्ड में रखने का। नहीं इधर बैठो, इधर आ, तो समझाता हूँ। कुछ चीजें रहती है आईफा, देख अच्छे से अपने को करने का शादी। मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे बगैर किसी परेशानी के, रहे समझी, और आगे भी अच्छा हो सब चीज, है ना? चाहता हूँ एकदम तेरी शादी एकदम धूमधाम से एकदम ग्रैंड हो। शादी तो शादी, आगे फ्यूचर भी अच्छा हो जाए समझी। हम लोग 6-7 महीने के लिए जा रहे हैं, 1-2 महीने के लिए फिर आएंगे, फिर जाएंगे वहाँ, एकदम सेटल करेंगे, फिर पूरे घर वाले को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। रो रही क्यों है तू, पागल है क्या? तुम लोग नहीं रहेंगे तो मैं शादी कैसे करूंगी? वीडियो कॉल पे, वीडियो इतने डिजिटल थोड़ी ना हुए कि वीडियो कॉल पे अब शादी करेंगे। अब वीडियो कॉल, तू व्हाट्सएप पे कार्ड भेज के शादी वो दे सकते, वो तो वीडियो कॉल पे वो नहीं कर सकते? इनविटेशन दे देना, इनविटेशन अलग है, तो वो भी तो डिजिटल है ना। अभी तूने इनविटेशन भी छोटा सा बनाई है, हाँ तो छोटा सा मतलब डिजिटल ही बनाइए ना, डिजिटल वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। नहीं देख निकालेगा ऐसा बाद में, मम्मी से पूछ, मम्मी मम्मी इधर आओ। पुप्पी भी वही बोले, तुम लोग फ्यूचर देखो, ये देखो, तो पुप्पी से बात किया, मम्मी इधर आओ। तो फरवरी में जाओ, तुम लोग को जाना। अरे लेकिन हम लोग काम जनवरी में है, स्टार्ट होगा जनवरी में, तो कैसा लोग बोल रहे कि शादी में को पता है, पुप्पी को बोले हम लोग, हाँ बोल दिए, तो काम है तो जाना ही पड़ेगा ना पुप्पी। अब मम्मी मेरी शादी में भाई नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो कैसे होंगे? अरे वीडियो कॉल पे रहेंगे ना पुप्पी, अब इतना बड़ा काम रुका। मैं बोला इतना अच्छा ऑफर आया मम्मी, जिंदगी आएगी अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी कितनी, क्या करेंगे फिर? आप बोलेंगे तो रुकेगा, आप ही ऐसे बोल देंगे तो कैसे रुकेगा? एक इसकी शादी के लिए हम लोग अपनी आगे की जिंदगी खराब कर देंगे, बताओ। रुक जाना इसकी शादी तक, पप्पी आपको तो समझा दिए ना, काम कितना बड़ा है, अभी वहाँ जाके कहीं निकल लेगा ये, वो 1-2 हफ्ते में हम लोग का सब वीजा वीजा टिकट टिकट सब आ जाएगा, वहाँ जाके सेट करने हैं, बाकी लोग को बना अकेले हम लोग से काम नहीं होगा, इन लोग सबको बुला लेंगे उधर तो, अक्सर जाए इन लोग को, क्या करेंगे बोलो? कुछ नहीं, जाने ही नहीं। अच्छे काम के लिए ना पहले नया नहीं फिर आते, ठीक है ना? फिर देख निका भी अच्छा काम है, हम लोग का काम भी अच्छा काम है, दोनों देख रोक नहीं सकते, दोनों में नाना नहीं भी कर सकते, नाना ना मत कर। तो जो भी अभी अपनी डील हो, बात हो गई है, मैंने बस अप्रूवल के लिए मैंने पूछ लिया, बात भी नहीं हुई, मैं तेरे से पूछ रहा थोड़ी ना, बात आ रहा हूँ। शादी का हॉल बुक हो गया, सब कुछ हो गया, उन लोग की तरफ से भी हो गया, अपुन चल थोड़ा डेट आगे भी बढ़ा दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, बात कर लेंगे। मेरे भाई लोग नहीं रहेंगे तो कैसे शादी होगी मम्मी, जरा बताओ। भाई तो वीडियो कॉल पे तो रहेंगे ना, वीडियो कॉल पे रहेंगे, ऐसा लगेगा बाजू में ही बैठे, बड़े वाले प्रोजेक्टर पे आ जाएंगे बस। रियल में चाहिए, अभी कैसा बैठे तुम लोग रियल में वैसा, तो प्रोजेक्टर पे भी रियल में बैठे रहेंगे, रियल में नहीं बैठे रहते, तुम लोग सात समुंदर पार रहेंगे, सात समुंदर पार ही बोलते हैं ना वो, इतना दूर रहेंगे तो। अब सात समुंदर पार यूएस यूएस आते हैं, हम लोग यूएस यूएस नहीं जा रहे, दुबई भी तो वही छोटा है ना, कैसे मालूम दुबई जा रहे हैं? हम लोग तो बता ही नहीं तेरे को। नहीं एक बात बोली, तुम लोग बाहर जा रहे बोले, एक बात बोली दुबई यूएस ये वो जो भी, तू तो बोला दुबई जा रहे, मैंने कब बोला, ये बोला दुबई जा रहे। तुम्हें को एक बात बता, तू कहाँ जा रहे है? बाहर जा रहे है, कौन सी जगह पे? कहीं भी जाए, दुबई सऊदी यहीं कहीं जाएंगे।
पासपोर्ट किधर है? पासपोर्ट? अरे मेरे पासपोर्ट से वो जा रहा है। अरे मेरे पासपोर्ट से मेरे पास भी पासपोर्ट है मुस्तजा, मेरे पासपोर्ट से चले जाएंगे। अरे अभी सुन, इसका पासपोर्ट बना है, मैं एक हफ्ते में जनवरी में जा रहे हैं, 10 दिन में पासपोर्ट आता है। प्रैंक के चक्कर में इमोशनल हो गई। पहले नहीं समझ में आया, बाद में दुबई उबई के नाम से याद आ रहा है। अरे पेंशन हो गया, फिर उसके बाद में ध्यान आया, इसलिए तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया। ये दिसंबर में जाने वाला था दुबई, लेकिन अभी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, शादी में जाने वाला था, पासपोर्ट ही मैं भूल गई थी। 10 दिन में तो बना तो तो जनवरी में आ रहे हम लोग, जब तेरा पासपोर्ट बन जाएगा तो फिर मैं सच में प्रैंक करना। समझ गई मम्मी, बहुत देर समझी, आंसू वेस्ट करने के बाद समझी। लेकिन ये सो गाइस, हरिपा मेरी बहन इमोशनल हो गई थी बेचारी। तुम लोग बहुत हार्ड है बेफुकट, तुम लोग ने झूठ बोले। एक तो झूठ बोले, देखो पकड़ना चाहिए था ना, मेरे पास पासपोर्ट नहीं, कितनी बार घर में ये चीज बात हो रही है। वो ध्यान ही नहीं आया, हम लोग बोलते बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे, वो भी मैंने गैस कर ली दुबई, शायद जिसने मेरे को बताया कि दिया, वो भी ध्यान नहीं। देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं, चल ठीक है। वैसे भी हम लोग है शादी में, जैसी इंशाल्लाह जैसी होना चाहिए उससे कहीं बेहतर, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि तेरी शादी वैसी हो, इंशाल्लाह। बस दुआ करो तू, इंशाल्लाह तू दुआ करेगी तो इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा, है ना। चल तो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं बात, इसलिए लोगों को कहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।